कभी संभव नहीं हुआ वो आज महादेव ने कर दिया। महादेव के लिए क्या असंभव है। सबको एक साथ एक उद्देश्य की सफलता है तो एकत्र देख मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यदि किसी के मन में कोई भी शंका या कोई संदेह हो तो वह समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ होने से पूर्व ही जा सकता है। नहीं नहीं प्रभु, हमारे मन में कोई शंका कोई संदेह नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमें आते ही नहीं। आपके आने से पूर्व मैं और राजा बलि इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, है ना भ्राता? जीवन का अधिकांश अंग रहस्यमय है, किंतु जीवन का एक तत्व स्पष्ट है, स्वेच्छा, जिसका अधिकार हम सबके पास है। किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्या, हम उस परिस्थिति से क्या चुनते हैं, यह हमारा व्यक्तिगत निर्णय है। यही निर्णय किसी व्यक्ति को प्रेम, शांति, पूर्ति की ओर ले जाता है, तो किसी और व्यक्ति को उसका चुनाव घृणा, संघर्ष, शत्रुता, विवाद या विनाश की ओर। यदि हम अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण पालें, किसी और के सुख से अपने सुख की तुलना ना करें तो हम किसी भी परिस्थिति में सुखी रह सकते हैं। संसार में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है प्रेम, धैर्य, करुणा, क्षमा, किंतु यह आज का ही सत्य नहीं, यह सत्य शाश्वत है। जब कोई भी विकल्प शेष था तो अत्याचार का अंत करने के लिए युद्ध स्वीकार्य होता है। किंतु प्रत्येक समस्या का समाधान युद्ध, षड्यंत्र या छल से निकल जाए, यह सर्वथा अनुचित है। हम जितनी शांति और सद्भावना इस संसार में फैलाएंगे उतनी ही शांति और सद्भावना हमारे भाग में आएगी, और जितनी हिंसा और घृणा हम इस संसार में लेकर आएंगे उतनी हिंसा और घृणा का भाग हमें स्वयं बनना पड़ेगा। अनंत अथाह महासागर,
इस संसार के सभी रत्न आप में समाए हैं, जिनके अभाव में इस जगत का उद्धार असंभव है। मैं स्वयं आपसे प्रार्थना करता हूं, समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने की अनुमति प्रदान कर। आज इस संसार को आपके सहयोग की आवश्यकता है। हे प्रभु, आप तो सारे जगत के पिता हैं। यदि आप चाहते तो मुझे आदेश भी कर सकते थे। किंतु आप दयालु हैं, परोपकारी हैं, शुभचिंतक हैं। आप किसी में भेदभाव नहीं करते। आप सदैव संसार के प्रत्येक तत्व को इतना मान देते हैं। मैं आपके किसी भी आग्रह को अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? यदि त्रिदेव की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत नहीं कर सका तो मेरा अस्तित्व ही क्या रह जाएगा? आप मंथन का कार्य अवश्य आरंभ करें प्रभु, यह मेरा सौभाग्य होगा। समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए संयुक्त बल के साथ साथ हमें एक विशाल मथानी की भी आवश्यकता है। नारायण, आप सदैव संसार के हित के लिए समय और आवश्यकता अनुसार अवतरित होते हैं। आप स्वयं अंधार पर्वत को स्थिरता प्रदान। वासुकी, समस्त देवगण तथा असुर तुम्हारे सदैव आभारी रहेंगे। देव राजेंद्र, देवताओं के साथ नागराज का एक सिरा आप थाम लीजिए और राजा बलि असुरों के साथ एक सिरा आप थाम लीजिए। जी महादेव।